सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया है। अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों की ओर से रैली के माध्यम से जनाधार मांगा गया, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम भी लगातार ऐसे जुझारू प्रत्याशियों के पास जाकर उनके एजेंडे पर बात करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने राजधानी लखनऊ की इटौंजा नगर पंचायत से चेयरमैन पद की निर्दलीय प्रत्याशी जया पांडे से भी खास बातचीत की है। नगर संग्राम का बिगुल फूक चुका है और यहाँ पर फिलहाल चुनाव होने वाले हैं आगामी 4 मई को, और चरण के माध्यम से स्पष्ट हो पाएगा कि राजधानी लखनऊ की नगर पंचायत इटौंजा में किसने बाजी मारी है। हमारे साथ मौजूद इस समय जय पांडे, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है नगर पंचायत इटौंजा से। जानेंगे क्या एजेंडा है, जनता के बीच एजेंडे साथ जा रही है और जीतने पर जनता के लिए क्या करने वाली है, क्या करेंगी अगर जनता आपको वोट देती है। महत्वपूर्ण चुनाव है। देखिए, जो है हमें सफाई की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और महिलाओं और बच्चों को रोजगार की व्यवस्था, सर्वप्रथम जो है रोजगार की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जल भराव, हमारे इटौंजा में जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो जल भराव की समस्या से सबसे पहला काम जल भराव की समस्या से सॉल्व करना है। महिला प्रत्याशी हैं, चुनौतियाँ बहुत आती हैं क्योंकि आज भी यहाँ पर बोला जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है और महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं। महिलाओं के लिए हम 5 सालों से कर रहे हैं। हर महिला जो है बाहर निकल के नहीं जा सकती थी टाउन एरिया में, वो मेरे पास आती थी अपनी जो है समस्याओं को लेके, बच्चों का निवास प्रमाण पत्र बनवाना, उनके घर में पानी नहीं आ रहा है वो हमसे आके बताना, पेंशन की 2-2 सालों से लोगों की पेंशन बंद पड़ी थी, बुजुर्ग हैं उनको दिखाई नहीं देता, वो बैंक तक जा नहीं पाती, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो मेरे पास आ रही थी, उनकी समस्या हम सॉल्व कर रहे थे। राजनीति माध्यम है समाज सेवा का, समाज सेवा में कैसे आई और कौन कौन सामाजिक कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं? देखिए, ना मैं राजनीति में कभी रही हूँ और ना राजनीति से मुझे कोई लेना देना है। मैं अपने इटौंजा क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहती हूँ और अपनी महिलाओं को, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी घर का भी काम करती हूँ और बाहर का भी काम करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ हर लेडीज, हर औरत जो है वो घर का बच्चों को पढ़ाए लिखाए, बच्चों का उसके पास अगर चार पैसे होंगे वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, सब कुछ दे पाएगी। हम सोचते हैं हर महिला को हम रोजगार की व्यवस्था करें, कुछ ना कुछ योजनाएं ऐसी लाएं कि हर लेडीज अपने घर में बैठ के अपना जो है काम कर सके। यहाँ पर सत्ता पे आसीन भाजपा से और सपा से, कितनी चुनौती आपको मिल रही है? देखिए, राजनीति के विषय में मुझे कुछ भी बिल्कुल नहीं मालूम है। हमारे पास दिन भर में 100-150 लेडीजों से मेरी मुलाकात होती थी, मैं उनसे जो है प्रभावित थी। हर लेडीज आके अपनी लेडीज को ही समस्या बता सकती है। पुरुष लोग तो सुबह घर से चले गए, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनको एक दिन की छुट्टी नहीं है। हर लेडीज आके अपनी समस्या हमको बता रही थी, उसी से हमको प्रोत्साहन मिला है कि हम जो है महिलाओं के लिए कुछ करें। अगर देखिए, घर में अगर एक महिला सक्षम होगी सब कुछ, तो वो पूरे समाज को, हर एक वर्ग को जो है बता सकती। भाई, एक महिला अगर अपने घर में 8 सदस्य हैं, अगर वो जो है पढ़ी लिखी, समझदार, सब कुछ है, रोजगार है उसके पास, तो अपने पूरे परिवार को वो समेट के रख सकती। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, प्राइम टीवी के माध्यम से यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगी और क्या कुछ ऐसा करके आएंगी जिसकी जनता आपको जनाधार दे? देखिए, जनता के सहयोग से ही हमें हौसला मिला है कि हम इस क्षेत्र में आए। हमें महिलाओं से, बच्चों से, बच्चों का तो वोट भी नहीं है फिर भी वो हमको, मतलब कि मेरे लिए कुछ करेंगी, आगे चल के करेंगी। सारे वर्ग, जितना वर्ग है, ऐसा नहीं एक वर्ग, सारा वर्ग में हमें जो है सपोर्ट कर रहा है और हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि आप जो है खड़ी होइए, हम आपके साथ हैं, उन्हीं के सहयोग से हम खड़े हुए हैं। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और शुरुआत से ही मैं किसी भी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और हर पार्टी
अपनी अपनी जगह काम कर रही है, मैं अपनी जगह काम करूंगी। अपने इटौंजा को स्वच्छ और सुंदर बनाना ये मेरा लक्ष्य है। तो ये थी हमारे साथ, ये थी हमारे साथ जय पांडे। कहना है कि जनता का जनाधार उनको मिल रहा है, वो यहाँ राजनीति करने नहीं बल्कि सेवा करने आई है। इटौंजा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। फिलहाल ये आने वाले समय में पूरा होगा कि नहीं होगा वो भविष्य की बात है, पर इनके जो स्थिति है, जो जनसमूह है, जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, वो स्पष्ट करता है कि शहर इस बार जीत, इस बार जय पांडे की होगी यहाँ पर, और यहाँ पर विकास की धारा बहती नजर आएंगी। अरविंद घोष, प्राइम टीवी लखनऊ। तो आपने सुना कि जब निर्दलीय प्रत्याशी जया पांडे से हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राजनीति करने नहीं आई हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता का विकास करने और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।